सीख हमारा के सोचल हमारा सबके जे किस समुद्र मंथन से निकलत सबसे पहले अपने ले जा सब बाकी रहते हमारा सबके स्वीकार कर। भगवान शंकर कहते की निकलल कहते हलाहल। भगवान शंकर कहते ठीक है एक बेर जय श्री राम कहकिन आ सारा हलाहल पान कर प्रेम से बोलते सियावर राम सत्र की जय। महात्मा सुखदेव राजा परीक्षित से कहते महाराज कहकिन हाँ महात्मा कहकिन जिनका नामे सुमरला सा हलाहल बीस अमृत भा जाते हलाहल पान कला सा नीलकंठ भा जाते जगदीश्वर भा जाते वह व्यक्ति का पुतना साधारण बीस पान करा के समाप्त करा के चाहे थे संभव है। बीस से भरल स्तन जब पुतना भगवान कृष्ण के मुखार बिंद बदल की है भगवान कृष्ण घटागत पान करे लगल एक स्तन जब पान खा गए तकर बट बदल गए दोसर स्तन लगा दी दोसरो बीस जब पान खा गए अब बीस शॉर्ट क्या गए दोनों स्तन में बीस रहिए नहीं गए भगवान कृष्ण जना माई के स्तन साधारण बच्चा पान करे थे जना मस्त से अपने के पान करने शुरू कर दिल्कि जब करबट धनाधन बदल रहा है भगवान कृष्ण देखल पुतना के संग किस नहीं रह गए तो की कलखिन एक स्तन के दोनों हाथ से पकड़ बीस के संग संग प्राण समेत पीवा लगा पुतना देखल प्राण समेत पीवा लागल है इनका पटेक के भूमि पर अब भाग जाए भगवान के क्या नाम प्रलंबा उच्च विशाल हाथ वाला नहीं इनका संगुल से छूटना बड़ा कठिन चल अन्न छूटे की अवस्था जब नहीं आल तो पुतना विशाल शरीर छ कोस लंबा और छ कोस चौड़ा 18 किलोमीटर लंबा 18 किलोमीटर चौड़ा पुतना के शरीर चल अस विचार करी विशाल शरीर कला के धराम से भूमि पर गिरल विशाल शरीर 6 कोस लंबा 6 कोस चौड़ा मतलब 18 किलोमीटर लंबा 18 किलोमीटर चौड़ा पुतना के शरीर पर भगवान कृष्ण श्यामला स्वरूप घुंघराले बाल श्री कुंडल वैजंती माला और पीताम्बरी वस्त्र सुशोभित कुंतरक शोभा दे रहा जना माघ महीना के समय में 4 बजे संध्या में द्वीप के सिर पर शीत के बुंदा पड़ला सा शताक्षी सूर्यनारायण के किरण के सुनौला रंग के चमक देते वो चमक भगवान कृष्ण के कृष्ण कुंडल दे रहा अदनीश लाल से निवृत्त क्या बात पोतना जिस गिरल है तो वज्रपात के सदृश आवाज में टंकोर में सारे नंदग्राम बासिंदा ब्रज कुमार ब्रज कुमारी दौड़ के आल भगवान कृष्ण कन्हैया पोतना के स्तन घटाघट पान कर रहा झट से उनका स्तन छोड़ा के गोद में लेलखी है और महारानी जसोदा से अनेकानेक कट्टू वचन कहने प्रारंभ कर दिल्किन है इतना दिन संतान हीन चल तो हमारा सब लालच रही अब जब चौथा अवस्था में पुत्र की प्राप्ति कलखिन है तब इनका पुत्र के शुद्धि नहीं रह गई गिरी काज में व्यस्त तत्काल महारानी जसोद हो गया जब से भगवान कृष्ण के गोद में लाके भाग के बड़ाई करने लगा तत्पश्चात संपूर्ण नंदग्राम बासिंदा के संग बाबा नंदो पहुंचल महात्मा वसुदेव के निवेदन करे थे भैया अपने वास्तविक संत सी अपने देवता के अवतार सी अपने जो कहने रही यथोचित घटना नंदग्राम में घटल है वास्तविक नंदग्राम में शनि के सारे साथी के प्रकोप आयल है धन मथुरा धन गोकुल की भूमि धन वृंदावन के जंगल धन महारानी यशोधा धन महारानी रोहिणी धन भावानंद जेठम अखिल ब्रह्मांड के नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा योगियों के राजा पदार्पण करके हमार संपूर्ण देवतागण घंटा नाद नगाड़ा शंख सहनाई दुंदवी गादा वादा के साथ सुमन दृष्टि कर निवेदन कर रहा है जिनका साथ साथ हनुमान प्रेम से गदगद कंठ से परमेश्वर मिला के भगवत नाम संकीर्तन करी चली प्रेम से बोल दे वृंदावन बिहारी लाल।